बेसन अच्छी तरह से सिक गया है, इसकी अच्छी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम इसमें थोड़ा घी और ऐड कर देंगे, भी अच्छी तरह से सेक लिया है। अब इसको अलग करके आधा कप नारियल चूरा लिया है, इसको भी दो मिनट के लिए सूजी और बेसन मिला के दो कप हुआ, इसलिए दो कप चीनी डालेंगे हम चाशने के लिए। लगातार चला देंगे, एक तार की चाशनी बना लेंगे। इलायची लेंगे, इसको भी कोट के इसका पाउडर इसमें डालेंगे। इलायची के छिलके निकाल देंगे और पाउडर को इसमें डाल देंगे। चाशनी बन चुकी है इसका, इसके लिए हम चेक करेंगे इस तरह डालने पे इस तरह गिरेगा। गैस को बंद कर देंगे, चाशनी बन चुकी है, इसको चेक कर लेंगे। देखिए इसका ये एक तार बन रहा है। चाशनी को दो मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसमें सारा मिश्रण जो सेका है हमने, बेसन और नारियल और सूजी का, उसे मिक्स कर देंगे और एक थाली को ग्रीस करके सारा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको डाल के ठंडा उनके सेट होने देंगे। इस पर गार्निश करेंगे बादाम कटे हुए और पिस्ता से। और काजू भी डालेंगे, आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मेरे वीडियोस पसंद आए लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।